नमस्कार, आज हम इंटरेक्शन ऑफ जीन्स का पार्ट सेकंड वीडियो हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम बचे हुए इंटरजीनिक जीन इंटरेक्शन के बचे हुए टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम लास्ट के अंदर इंटरजीनिक जीन इंटरेक्शन में हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स या संपूरक जीन तथा सप्लीमेंट्री जीन्स या पूरक जीन्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब तीसरा होता है द्विक जीन या डुप्लीकेट जीन। जब जीन्स के दो युग्म एक ही लक्षण अथवा लगभग समान लक्षण का नियंत्रण करते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक जीन समान या लगभग समान लक्षणों को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार की जीन को हम डुप्लीकेट जीन या द्विक जीन कह सकते हैं। सिंपली कहने जाता है कि मान लीजिए दो जीन्स हैं, एक जीन ए है, दूसरा जीन बी है। दोनों ही जीन एक ही लक्षण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए दोनों ही जीन लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लंबेपन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दोनों ही जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करने में सक्षम है, चाहे दोनों प्रदर्शित दोनों जीन उपस्थित हो तब भी वो लक्षण शो होगा लंबेपन का। दोनों में से एक जीन ही हो, मान लो ए ही हो, तो भी वो लंबेपन का लक्षण प्रदर्शित होगा, अथवा या सिर्फ बी हो तब भी वह लंबेपन का लक्षण प्रदर्शित होगा। मतलब दो जीन जो एक ही लक्षण को शो करते हैं, दोनों में से कोई एक जीन भी उपस्थित हो तब वह लक्षण वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रदर्शित होता है। इसको हम कहते हैं डुप्लीकेट जीन या द्विक जीन। इसका उदाहरण है शेफर्ड पर्स। शेफर्ड पर्स एक प्लांट होता है, इसमें दो प्रकार के बीज आवरण पाए जाते हैं या सीड कैप्सूल पाए जाते हैं, एक तो ट्रायंगुलर त्रिकोणाकार, दूसरे लंबे इलोंगेटेड। बीज आवरण का त्रिकोणाकार लक्षण जीन के दो युग्म टी एंड डी पे डिपेंड करता है। ये दोनों जीन पृथक गुणसूत्र पर अलग अलग लोकस पर उपस्थित होते हैं। ये दोनों जीन अथवा कोई भी एक त्रिकोणाकार लक्षण को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। लंबे आकार का लक्षण तभी प्रकट होता है जब दोनों ही अप्रभावी जीन उपस्थित हो। इसके कहने का मतलब है, आगे हम चार्ट में भी दिखाते हैं। इसके कहने का मकसद है, एक शेफर्ड पर्स प्लांट होता है जिसके सीड कैप्सूल या बीज आवरण होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रायंगुलर होते हैं और एक इलोंगेटेड लंबे होते हैं। जो ट्रायंगुलर शेप का जो बीज आवरण है, ये दो जीन होते हैं टी एंड डी। अगर ये दोनों प्रभावी कंडीशन में से कोई भी दोनों उपस्थित हो या दोनों में से कोई एक उपस्थित हो, तो उसका बीज आवरण किस प्रकार का होगा, ट्रायंगुलर शेप का या त्रिकोणाकार। इलोंगेटेड सीड कैप्सूल तभी बनेगा जब टी और डी दोनों के अप्रभावी जीन्स अगर उपस्थित हो, तभी इलोंगेटेड बीज बनेगा। अब इसमें हम चार्ट में दिखाया गया है कि जैसे ट्रायंगुलर है टी डी डी डी, दोनों ही डोमिनेट है, इलोंगेट है टी टी डी डी, दोनों ही सारे के सारे रेसेसिव है। जब इनमें क्रॉस कराया जाता है तो एफ वन जनरेशन में हमें ट्रायंगुलर प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि टी और डी दोनों एक डोमिनेंट जीन उपस्थित होते हैं, तो सारे के सारे हमें ट्रायंगुलर प्रकार पाए जाते हैं। परंतु जब इसमें टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, तो टेस्ट क्रॉस कराने में हमें 16 में से 15 तो ट्रायंगुलर मिलते हैं, मात्र एक ही इलोंगेटेड मिलता है। जैसे कि जिस चार्ट में दिखाया गया, आप देखिए टी टी डी 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 लास्ट तक में सिर्फ जब सभी टी टी डी डी चारों के चारों जीन्स या दोनों चारों के चारों युग्म बल्कि जब अप्रभावी अवस्था में है तभी हमें इलोंगेटेड मिल रहा है। बाकी आप सभी खाने में देख लीजिए, किसी में भी अगर एक जीन भी डोमिनेट अवस्था के अंदर है तब वह बीज कवर किस प्रकार का है, ट्रायंगुलर या त्रिकोणाकार प्रकृति का। इसलिए तो इस प्रकार के जीन्स को हम कहते हैं डुप्लीकेट जीन या द्विक जीन। यह शेफर्ड पर्स का उसका उदाहरण है। मक्का में एंडोस्पर्म के अंदर का रंग भी इसी का उदाहरण होता है। इसका जो सेकंड टाइप होता है, सेकंड प्रकार होता है इंटरजीनिक जीन इंटरेक्शन में, जो फोर्थ टाइप होता है, वो है एपिस्टेसिस या प्रबलता या अवमंदक जीन या इनहिबेटिक जीन। जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है तो उस जीन को हम कहते हैं प्रभावी जीन या एपिस्टेटिक जीन। जैसा दूसरा जीन जिसका प्रभाव दब रहा है उसको हम कहते हैं अवमंदक जीन या इनहिबिटिक जीन। अभी कहता है कि जब अलग अलग लोकस पर उपस्थित दो जीन
एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करे कि एक जीन द्वारा दूसरे जीन की अभिव्यक्ति का आवरण या मास्किंग कर दिया जाए या उसका संबंधन कर दिया जाए, उसको दबा दिया जाए, तो इस घटना को एपिस्टेसिस या प्रबलता कहते हैं। इस घटना में वह जीन जो दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को संबंधित या रोकता है या दबाता है उसको एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। तो दूसरा जीन जिसकी प्रबलता दबती है या जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम कहते हैं अबल जीन या हाइपोस्टेटिक जीन। यही बात कह रहा है कि एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं हो देता। इस घटना को हम कहते हैं प्रबलता या एपिस्टेसिस। जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबाता है वो तो कहलाता है एपिस्टेटिक जीन, और जो दबता है जिसका प्रभाव जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उस जीन को हम कहते हैं हाइपोस्टेटिक जीन। प्रबलता की घटना भी दो प्रकार की होती है, डोमिनेंट एपिस्टेटिस एंड रिसेसिव एपिस्टेटिस, प्रभावी प्रबलता और अप्रभावी प्रबलता। प्रभावी प्रबलता की बात की जाए तो एक जीन का प्रभावी युग्मविकल्पी दूसरे जीन के युग्मविकल्पी को प्रदर्शन को छिपा देता है, क्योंकि प्रभावी प्रबल जीन ए को प्रबल प्रभाव के कारण बी अथवा जी के स्मॉल बी के जीन के प्रदर्शन को दबा देता है। इसी घटना प्रभावी प्रबलता कहलाती है। शब्दों में कहें तो जो दो जीन मैंने पहले भी परिभाषा बताया कि एक जीन दूसरे जीन की को एक्सप्रेस नहीं होने देता या उसके प्रभाव को दर्शाता है, अगर दबाने वाला जीन्स प्रभावी हो, डोमिनेंट नेचर का हो, तो यह घटना कहलाती है प्रभावी प्रबलता या डोमिनेंट एपिस्टेसिस। मतलब एक प्रभावी जीन दूसरे प्रभावी या अप्रभावी जीन के एक्सप्रेशन को दबा दे, उसको प्रभावित ना होने दे, तो इस घटना को हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसी या प्रभावी प्रबलता। इसका उदाहरण है कुत्तों में सफेद आवरण का लक्षण प्रभावी विशेषक है। यह लक्षण प्रबल जीन आई द्वारा नियंत्रित होता है जो वर्णक का निर्माण रोकता है। वर्णक का निर्माण हाइपोस्टेटिक जीन द्वारा होता है या अबल जीन द्वारा होता है। मतलब ये कह रहा है कुत्तों में सफेद रंग आता है, कुत्तों में सफेद रंग के कारण का निर्माण होता है एक आई जीन के कारण होता है। आई जीन एक डोमिनेंट जीन है, और जो कुत्तों में वर्णक या कोई भी पिगमेंट निर्माण होता है, मतलब कुत्ता सफेद रंग का है उसके अंदर कोई भी पिगमेंट का निर्माण नहीं हो रहा, मतलब वह आई जीन पिगमेंट निर्माण को रोकता है। और पिगमेंट निर्माण कौन करता है? एक अप्रभावी जीन होता है जो पिगमेंट का निर्माण करता है। तो अगर आई जीन उपस्थित हो तो वह कुत्तों में वर्णक का निर्माण नहीं होने देगा और कुत्ता सफेद कलर का होगा। तो ये किस प्रकार की प्रबलता आ गई? प्रभावी प्रबलता, क्योंकि आई जीन उपस्थित है वह किसी भी दूसरे जीन को अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करने देगा। नहीं करने देगा तो क्या होगा? पिगमेंट का निर्माण नहीं होगा और कुत्ते में कोई कलर नहीं होगा, कुत्ते के बालों में कोई कलर नहीं होगा, वो कुत्ता किस पर कलर का होगा? सफेद कलर का। जब इसीलिए और आई चूंकि आई डोमिनेंट जीन है इसीलिए इसको हम डोमिनेंट एपिस्टेटिस कहते हैं। कुत्तों में कलर तभी आएगा जब वो आई जीन एबसेंट होगा। आई जीन के एबसेंट होते ही दूसरे जीन पिगमेंट फॉर्मेशन का शुरू कर देंगे और कुत्तों में कलर आ जाएगा। तो यह उदाहरण है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। जैसे इसमें दिया गया ब्राउन डॉग है, BBII, एक वाइट डॉग है कैपिटल I। जब इनमें क्रॉस कराया जाता है तो हमें जो F1 जनरेशन प्राप्त होता है वह BBII मिलता है, वो वाइट होता है। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें आई जीन उपस्थित है। आई जीन उपस्थित होते ही वह कैपिटल बी के प्रभाव को भी रोक देता है, स्मॉल बी के आई के प्रभाव को भी रोक देता है, जिससे पिगमेंट फॉर्मेशन नहीं हो पाता और कुत्ता वाइट कलर का होता है। और जब इसमें टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो हमें फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है 12:3:1। 12 कुत्ते वाइट कलर के, क्यों? क्योंकि उनमें आई जीन उपस्थित होता है डोमिनेंट के अंदर, बाकी 3 जीन कुत्ते ब्लैक कलर के और एक कुत्ता ब्राउन कलर का। तो यह उदाहरण है डोमिनेंट एपिस्टेसिस या प्रभावी प्रबलता का। दूसरी होती है अप्रभावी प्रबलता। अप्रभावी जीन के कारण होने वाली प्रबलता को अप्रभावी प्रबलता। सामान्य भाषा में कहा जाए, जो उदाहरण बताया था पहले डेफिनेशन में, एक जीन दूसरे जीन को प्रभाव को दर्शा जाता है, अगर दबाने वाला जीन अप्रभावी प्रकृति का हो या रेसेसिव जीन हो तो वह घटना कहलाती है रेसेसिव एपिस्टेसिस या अप्रभावी प्रबलता। इसका उदाहरण है मूषकों में अगूटी रंग, अगूटी मीन्स ग्रे कलर, बेंडिंग प्रतिरूप द्वारा लक्षित होता है। बालों का लक्षण जीन ए द्वारा नियंत्रित होता है। यह जीन ए अप्रभावी एलील सी के प्रति हाइपोस्टेटिक होता है। प्रभावी जीन सी ए की अनुपस्थिति में काले रंग के मूषक उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रभावी जीन ए जीन सी की उपस्थिति में अगूटी वर्णक करने में असमर्थ होता है। इस प्रकार अप्रभावी जीन सी जीन ए पर अपना अप्रभावी प्रबल जीन दर्शाता है। इसके कहने का मतलब है मूषक में अगूटी कलर या ग्रे कलर एक जीन किसके कारण होता है? ए जीन, उसके कारण उत्पन्न होता है।
एक इसमें अप्रभावित जीन और होता है जिसको हम सी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल सी में दर्शाया जा रहा है। अगर ये सी कलर सी जीन उपस्थित होगा तो मूषकों में ग्रे कलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह जीन ए के प्रभाव को दबा देगा। चूंकि सी एक अप्रभावी जीन है इसलिए इसको हम अप्रभावी प्रबलता कहते हैं। इसके दूसरे उदाहरण के रूप में देखे जाए, अन्य उदाहरण देखा जाए तो मनुष्यों में एबीसी रक्त समूह में ए तथा बी एंटीजन का निर्माण दो जीनों को नियंत्रित करता है, ये इसका उदाहरण है। तो यह हमारे अप्रभावी प्रबलता आ जाती है। तीसरे टाइप के होते हैं लीथल जीन या घातक जीन। नेक्स्ट टाइप जो होता है, कुछ विशेष जीन प्राणी के फिनोटाइप के साथ साथ उसकी जीवन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। कुछ जीन प्राणी की फिनोटाइप को तो प्रभावित नहीं करते लेकिन जीवन क्षमताएं प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के जीन घातक या अर्धघातक कहलाते हैं। सब यूनर्जी अवस्था में पूर्ण घातक जीन के कारण लगभग सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अर्धघातक जीन कई बार समयोजी अवस्था में भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती। घातक जीन प्राय अप्रभावी होते हैं, अपने घातक प्रभाव केवल समयोजी अवस्था में ही प्रदर्शित करते हैं। लीथल जीन उनको कहते हैं जिनकी कारण किसी प्राणी की डेथ हो जाए। सिंपल सी बात है, जब भी, परंतु ज़्यादातर प्रकृति में ये क्या है, अप्रभावी कंडीशन में पाए जाते हैं। पर जब ये अप्रभावी दो एलील अप्रभावी समयोजी अवस्था में होंगे तभी उस प्राणी की डेथ हो पाएगी। तो इस जीन को हम लीथल जीन कहते हैं या घातक जीन कहते हैं। इसके भी तीन प्रकार कहते हैं, डोमिनेंट लीथल, रेसेसिव लीथल या कंडीशनल लीथल, प्रभावी घातक, अप्रभावी घातक और पारिस्थितिक घातक। तो पहला टाइप है प्रभावी घातक या डोमिनेंट लीथल। प्रभावी घातक जीन समयोजी अवस्था में घातक होते हैं तथा विषमयोजी अवस्था में असामान्य प्रकार के लक्षण या फिनोटाइप को उत्पन्न करते हैं। मतलब डोमिनेंट लीथल हम कहते हैं जैसे कि अगर ये समयोजी अवस्था में दोनों के दोनों हैं प्रभावी घातक, तो उस प्रकार उस कंडीशन में तो उस जीव ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। परंतु अगर ये प्रभावी घातक हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो उस प्राणी की डेथ तो नहीं होगी, परंतु उसके अंदर वो ऐसी अबनॉर्मलिटीज ला देगा कि वह उसकी जीवन कठिनाई युक्त हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण है मुर्गियों के प्रभाव सी जीन के मुर्गियों में प्रभावित सी जीन कुछ असामान्य मुर्गियों में उत्पादन करते हैं जिसे सामान्यतः क्रीपर रोग कहते हैं। मुर्गियों में जो क्रीपर रोग होता है ये उसी का उदाहरण है। ये पक्षी छोटे तथा कुरकर टांगों वाले होते हैं। जब क्रीपर में क्रॉस कराया जाता है तो क्रीपर तथा सामान्य का अनुपात 2:1 होता है, ना कि 3:1। क्रीपर में जीन विषमयोजी अवस्था में होते हैं तो समयोजी अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब मुर्गियों में क्रीपर जो रोग होता है वह एक प्रभावी जीन सी के कारण होता है। अगर ये सी जीन समयोजी अवस्था में, मतलब दोनों कैपिटल सी पाए जा रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट चार्ट में दिखाया गया है कैपिटल सी पाए जा रहे हैं, तो उस मुर्गी की डेथ हो जाएगी। परंतु यह अप्रभावी कंडीशन में है, जैसे कि अविषम युग्मजी अवस्था में है, एक कैपिटल सी है एक स्मॉल सी है, तो उस कंडीशन में भी मुर्गियों में पांव मुड़े हुए होते हैं तथा पक्षी छोटे साइज के होते हैं, मतलब वह उनमें कुछ फिनोटाइपिक डिसऑर्डर होते हैं। तो यह उदाहरण है डोमिनेंट लीथल का। इसी प्रकार एक उदाहरण बुलडॉग कफ का दिया गया है। इनका सर असामान्य कुत्ते होते हैं, उनका जो सर होता है वो असामान्य बुलडोग के समान, मतलब सॉरी गाय के बछड़े जो होते हैं इनका जो सर असामान्य प्रकार का होता है बुलडोग के समान होते हैं तथा इनके पैर छोटे और खांच युक्त होते हैं। ये जनरली जन्म के कुछ समय पश्चात ही मर जाती है। यह भी उदाहरण है डोमिनेंट लीथल जीन का। इसे मनुष्य में सिकल सेल अनीमिया डिजीज भी डोमिनेंट लीथल जीन का ही उदाहरण है। मनुष्य में पाया जाने वाला हंटिंगटन कोरिया डिजीज यह भी डोमिनेंट लीथल का ही उदाहरण है। नेक्स्ट होते हैं अप्रभावी घातक या रिसेसिव लीथल। अप्रभावी घातक जीन अपना घातक प्रभाव केवल समयुग्मजी अवस्था में ही दर्शा पाते हैं, विषमयोजी अवस्था में यह सामान्य होते हैं। रिसेसिव लीथल थोड़े उनसे कम हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि अपना प्रभाव तभी दिखाएंगे जब ये समयुग्मजी या होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। अगर हेटरोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो वो एनिमल या ऑर्गेनिज्म सामान्य होता है। इसके उदाहरण है टॉयसिक रोग, मनुष्यों में डिजीज पाई जाती है टॉयसिक डिजीज, यह इसी का उदाहरण है। इसके अप्रभावी घातक जीन के कारण समयोजी अवस्था में छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वसा के उपापचय के लिए आवश्यक मेटाबॉलिज्म उत्पन्न का निर्माण नहीं हो पाता, इनका फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, जिससे इनकी मसल्स इनएक्टिव हो जाती है और बच्चे की मौत हो जाती है। यह उदाहरण है रेसेसिव लीथल का। इसी प्रकार चूहों में अप्रभावी घातक जीन के कारण हाइड्रोसिफेली उत्पन्न हो जाती है, यह भी इसी का एग्जाम्पल है। इसका तीसरा टाइप है कंडीशनल लीथल या पारिस्थितिकी घातक।
वे जीन जो एक विशिष्ट वातावरण में सामान्य प्रकार के होते हैं, जब वातावरण में परिवर्तन होता है तभी जीन घातक होता है। मतलब इनके जीन के समयुग्मन जी विषमयुग्मन जी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। एक विशेष एनवायरमेंट में नॉर्मल कंडीशन में तो ये जीन कोई रोग उत्पन्न नहीं करते, परंतु के विशेष एनवायरमेंट के अंदर जैसे कि टेम्परेचर, अल्ट्रा वायलेट, कोई भी कारक हो सकता है, उसकी उपस्थिति में ये जीन इस जीन की उपस्थिति इस वह जीन उस प्राणी की मृत्यु का कारक बन जाते हैं, इसलिए इनको कंडीशनल लीथल कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे ड्रोसोफिला की सीडोबैक्सियुरा में 16.5 डिग्री सेल्सियस पर उनकी मृत्यु नहीं होती, परंतु जापान जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ड्रोसोफिला की मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती है। मतलब इसमें कारक क्या है, इसमें तापमान कारक है कि ड्रोसोफिला में सीडो ऑब्सक्यूरा के अंदर 16.5 डिग्री टेम्परेचर पे तो नॉर्मल होते हैं, परंतु जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो उनकी डेथ होने लग जाती है। यह कंडीशनल लीथल का उदाहरण है। और नेक्स्ट है बहुकारक अथवा बहुजीनी, मल्टीपल फैक्टर एंड पॉलीजीन्स, वे लक्षण जिनका नियंत्रण एक से अधिक जीन्स द्वारा होता है पॉलीजीनिक ट्रेट्स कहलाते हैं। मतलब एक लक्षण को कई सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी कई सारे जीन्स एक लक्षण को शो करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, मल्टीपल फैक्टर या पॉलीजीन कहलाती है। मनुष्यों में त्वचा का रंग इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके अलावा ई कोलाई जीवाणु में ट्रिप्टोफेन का संश्लेषण कॉस्मिक अम्ल द्वारा होता है, इसका निर्माण चार पदों में होता है। यह अगर एक भी जीन डिस्टर्ब हो जाए तो इसका निर्माण नहीं हो पाता, ये इसका एक नेक्स्ट उदाहरण है। इसको हम इसके लिए हम एक शब्द दो यूज करते हैं, क्वांटिटिव मात्रात्मक वंशागति भी इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है। मतलब एक जीन का एक लक्षण को दो या दो से अधिक जीनों द्वारा कंट्रोल किया जाए तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल फैक्टर या पॉली जीन्स। ये हमारे इंटरेक्शन ऑफ जीन्स का सेकेंड वीडियो खत्म। धन्यवाद।